अब ये जो रिजल्ट आ गए हैं इनमें हम लोग कुछ स्पेशल केसेस लेंगे। पहला केस कि भाई दोनों मासेस अगर इक्वल हो जाए, तो इक्वल हो जाए तो M1 माइनस M2 ये तो उड़ गया, ये तो उड़ गया। अगर इक्वल हो जाएंगे तो यार देखो 2m आ जाएगा, मान लो कि दोनों का मास m है फिर इक्वल है तो एक ही वैल्यू रखे जाएंगे, तो v1 क्या हो जाएगा, 0 u1 प्लस 2m डिवाइडेड बाई एम प्लस एम है ना, u2 कुछ ऐसा आ जाएगा, तो फिर ये भी कट जाएगा भाई, ये तो है ही नहीं, यानी v1 इज इक्वल टू u2 आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू u2, उसी तरह v2 इज इक्वल टू u1 आ जाएगा। बहुत आसान है समझना, है ना, तो बढ़िया रिजल्ट आ गया ये। इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगे। देखो फाइनल वेलोसिटी v1 आ जाएगी इसकी वाली, और फाइनल वेलोसिटी u2 आ जाएगी इसकी वाली। वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज्ड। और देखो अगर u2 जीरो हो जाएगा तो भाई v1 और मासेज अलग अलग है इस केस में, तो m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 ऐसा हो जाएगा, और u2 जीरो होगा तो ये चला जाएगा, v2 क्या हो जाएगा 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1। ठीक है, अब ये 2a 2b 2c का मतलब क्या है कि u2 इज इक्वल टू 0 तो हमेशा चलेगा, तो यानी कि जो अब और एक्स्ट्रा कंडीशंस m1 इज इक्वल टू m2 है वो हम इनमें डालेंगे, है ना, तो अब इसे मेन फॉर्मूले को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब u2 तो 0 है ही है और m1 m2 बराबर है, तो ये v1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और v2 क्या हो जाएगा u1 हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर ये रुका हुआ है ये चलता हुआ आएगा है ना, तो ये इसको मारेगा टप, खुद रुक जाएगा और ये चलने लगेगा, है ना। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी और जो ये वाली है वो पहले वाले की वेलोसिटी मिलेगा, यानी दोनों मासेस बराबर हैं और बाद वाला रुका हुआ है दूसरा वाला रुका हुआ टप, और ये ऐसे चलेगा जैसे बिलियर्ड्स बॉल में होता है। ओके okay, तो ये भी समझ में आ गया हम लोगों को। अब ये केस है बहुत बड़े बहुत छोटे में, जैसे मान लीजिए कि जो दूसरा वाला मास है वो बहुत बड़ा है, मतलब अर्थ के ऊपर एक मान लीजिए मीटियोर गिर रहा है ना, उल्का पिंड गिर रहा है अर्थ के ऊपर, तब हम लोग क्या करेंगे, तब आप देखिए कि ये कंडीशन तो ट्रू ही है, ये कंडीशन तो ट्रू ही है u2 इज इक्वल टू 0 की वजह से। बस आप क्या करिए कि m1 इज इक्वल टू 0 डाल दीजिए यहाँ पे, यहाँ m1 इज इक्वल टू 0 डाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चला गया ये 0 हो गया, तो v1 इज इक्वल टू माइनस u1 हो जाएगा, है ना, और v2 इज इक्वल टू m1 0 ही हो गया तो ये तो खत्म हो गया। समझ में आया, अगर भाई कोई छोटी सी गैलेक्टिक बॉडी अर्थ में घुस रही है तो अर्थ तो उसके सामने प्रैक्टिकली रेस्ट में है, तो अपना u2 0 हो गया, और अर्थ के मास के सामने एक छोटे से पत्थर की जो मास है वो नेग्लेजिबल है, तो उस केस में क्या होगा वो अर्थ में टक्कर मार के वापस जाएगा ऐसा बोल रहा है, लेकिन असली में क्या होगा, अर्थ की ग्रेविटी उसको कैप्चर कर लेगी, वो इलास्टिक कोलिजन ही नहीं होगा, है ना। तो जब बस बहुत बड़ा है, यहां पे ये भी है ना कि बहुत बड़े के साथ साथ इलास्टिक भी होना चाहिए, तो उस केस में वो वापस चला जाएगा। इसका और अच्छा एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं, मान लीजिए कि दीवार खड़ी है बहुत बड़ी दीवार है और उसमें आप रबर की बॉल लेते हैं या हार्ड प्लास्टिक की बॉल लेते हैं दीवार में मारते हैं, तो
बॉल की जो वेलोसिटी है वो जिस वेलोसिटी पे गई थी उसी वेलोसिटी पे लौट आएगी, आप कैच कर लोगे। लेकिन जो दीवार की वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दीवार पहले भी रेस्ट में थी और बाद में भी रेस्ट में रहेगी। अब आ गए उसके बाद केस 3 में, जैसे कि मान लीजिए कि अब M1 बहुत बड़ा है और M2 0 है, ऐसा तब कर सकते हैं जैसे ट्रक के नीचे बिल्ली आ जाए, ट्रक मान लीजिए बिल्ली से टक्कर मारे, तो उस केस में क्या होगा? फिर यहां पे देखते हैं U2 तो 0 ही है, M2 को 0 डालना है, तब ये चला गया ये चला गया, V1 बराबर U1 हो जाएगा और V2 बराबर 2U2 हो जाएगा, है ना? देखो यहां पे, तो इसको ऐसे समझिए, अब ट्रक तो ट्रक के नीचे ही बिल्ली आ जाएगी, लेकिन मान लीजिए कि बहुत बड़ा ट्रक है और वो बहुत छोटी सी स्कूटर या मोटरसाइकिल को धक्का दे देता है, तो ट्रक अपनी ही वेलोसिटी से चलता रहेगा, लेकिन ये जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसके डबल वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है? और ये सारे स्पेशल केसेस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप अगर ये याद कर सकते हैं बस उतना ही अच्छा है, बाकी सारी मैथमेटिक्स से बातें आ जाएंगी।